तो दोस्तों हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आयशा जी, जिनके घर पे हम पहुंचे हैं। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये फुजैरा के यानी यूएई के शहर फुजैरा के एक छोटे से गांव की कहानी है जहां पर आयशा जी निवास करती हैं। हर कोने में यानी ऐसा कोई दुनिया का कोना नहीं होगा जहां पर किसी परिवार में कोई किसी रोग से पीड़ित ना हो, लेकिन हकीम सुलेमान खान साहब की मुहिम ये है कि हर जगह अपने नुस्खों के ज़रिए, अपनी दवाइयों के ज़रिए वो लोगों को रोग मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आयशा जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है आयशा जी आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। आयशा जी आपकी कहानी हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचेगी कि इस कोने में रहने के बावजूद यूएई के यानी फुजैरा के एक छोटे से कस्बे में आप रहती हैं और यहाँ पर आपने हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल किया, सेवन करने के बाद आप रोग मुक्त हो चुकी हैं। तो यही आपकी कहानी हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको भी हौसला मिले, उनको भी रोशनी की किरण दिखाई दे, अगर कोई रोग मुक्त है तो वो भी ठीक हो सके। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं आयशा जी कि आपको क्या समस्या थी, कितने सालों से थी और क्या क्या आपने इलाज करवाए थे? सर सबसे पहले मेरे 5 साल पहले मेरे जोड़ों में दर्द हुआ और मेरे बैक में भी दर्द हुआ, शोल्डर में भी दर्द हुआ, तो मैंने इधर भी डॉक्टर को दिखलाया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ नॉर्मल थी मगर दर्द ख़त्म नहीं हो रहा था। मैंने दवाई भी खाई यहाँ की, उसके बाद में डॉक्टर ने कहा यूरिक एसिड, कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से। फिर मैंने डॉक्टर को डॉक्टर साहब का हकीम साहब का प्रोग्राम देखा तो उस पर उन्होंने आर केयर बतलाया था। मैंने इससे 5 साल पहले आर केयर खाया, मैंने पूरा कोर्स उसका 6 माह का था वो पूरा कम्प्लीट किया। फिर उसके बाद में मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ, मैंने दवाई कंप्लीट करने के बाद में छोड़ दी। फिर मेरी जब सेकंड डिलीवरी हुई तो मुझको दोबारा फिर वही पेन शुरू हुआ, मेरे बैक में दर्द, जोड़ों में दर्द, जैसे कि कहते हैं गठिया का दर्द, ऐसे हुआ। फिर मैंने प्रोग्राम देखा हकीम साहब का दोबारा से देखा तो उसमें उन्होंने गोंसिया के बारे में बताया कि आप किसी भी तरह का दर्द हो तो आप गोंसिया ले सकती हैं। तो मैंने उसका ऑर्डर किया, तो मैंने पहले इंडिया ऑर्डर किया था तो उन्होंने बोला कि इनकी हकीम साहब की यूएई में भी शॉप है, आप उधर से भी ऑर्डर कर सकती हैं जैसे आपको बेहतर लगे जी। तो फिर मैंने इधर से ही दवाई मंगाई, इनका गोंसिया मंगाया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसको 4 दिन के बाद से ही मुझे बहुत फ़र्क लगा। तो मैं फजीर के टाइम में मुझसे उठा नहीं जाता था, मेरे बैक में बहुत दर्द था। फिर मैंने दवाई जब से खाई हूँ उसको बिल्कुल 4 दिन भी हुए थे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शहद में मिला के उसको खाती हूँ तो मुझे उससे बहुत फ़ायदा लगा, मैं उठने में भी बहुत परेशानी थी अब वो भी ख़त्म हो गई मुझे। तो समस्या आपको किस तरह की थी? जैसा आपने बताया कि डिलीवरी के बाद आपको जोड़ों में दर्द, कमर में, घुटनों में, कंधे में, ये तमाम समस्या जो आपको थी, तो आपने इससे पहले भी कहीं इलाज करवाया था आर केयर लेने से पहले? आर केयर से पहले मैंने डॉक्टर को दिखलाया था जी, तो उसकी दवाई खाई थी मैं इसको, मगर उससे मगर ठीक था, मुझे इतना फ़ायदा नहीं लगा जितना कि होना चाहिए था कि, मगर आर केयर खा के भी मुझे बहुत फ़ायदा लगा था, मेरा दर्द बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उसके बाद मैंने अपनी जो मेरी सास है उनके लिए भी मंगाया था, उनको खांसी की परेशानी थी, उनको माजून आर केयर था उनका, अच्छा उन्हें भी बहुत फ़ायदा लगा। फिर मैंने अपने जेठ के यहाँ पे मंगाई दवाई, उनको भी अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बेटी के सर में दर्द था तो उन्होंने अखरोट पराश भी दिया था जी, तो उसको भी सर में बहुत दर्द था, उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदा लगा उसे खाने के बाद में। फिर उसके बाद मेरे भाई का थोड़ा फैट ज़्यादा है तो उसको मैंने एफ केयर मंगा के दिया तो उसको भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बहुत फ़ायदा मिला एफ केयर खाने से बाद में। और मेरे फिर दोबारा अब दर्द जो हुआ फिर मैंने आपके गोंसिया मंगाया तो मुझे उससे भी खाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बिल्कुल भी कुछ परेशानी नहीं है, तो बहुत फायदा लगा। ये मतलब समझा जाए कि सिर्फ आपको फ़ायदा नहीं हुआ हकीम साहब की दवाइयों से, आपके पूरे परिवार को फ़ायदा हुआ। जी जी, मैं सबके लिए जो भी मुझसे परेशानी अपनी कोई बताता है तो मैं उसके लिए फ़ौरन ऑर्डर करती हूँ, वो मंगाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दवाई मंगाते हैं, क्योंकि मेरी बहन भी खा रही है गोंसिया जो उसको भी उसके घुटने में दर्द था तो उसको भी अल्लाह का शुक्र है बहुत फ़ायदा लगा। मेरी खाला ने भी मंगाई है गोंसिया, उनको भी दर्द था, फिर मैंने अपने हस्बैंड को मंगा के दिया है, उनके लिए उनको शुगर है तो उनके लिए सिरका, जैतून का सिरका है, उसके लिए ऑर्डर किया है जी, वो अल्हम्दुलिल्लाह उसे खा रहे हैं, अभी पी रहे हैं। उनको कुछ फ़ायदा है अभी? जी, पहले से बेहतर लगता है मुझे उनका चेहरा, क्योंकि पहले इतना नहीं था, वो खाते हैं इंग्लिश दवाई जो होती है वाली दवाई खाते हैं, मगर अब जब से वो मंगाया है तो मुझे बहुत फ़ायदा लगा है लेने के बाद। पहले जो जोड़ों के दर्द में समस्या थी आपकी, आपने बताया कि आप नमाज तक के लिए फजर में उठ नहीं पाती थी जी, जी, कितनी तकलीफ होती थी, कितना आप पीड़ा होती थी आपको ये आप यकीन माने, मैं रोती थी बैठ के, अगर जो मैं उठती भी थी तो लगता था कि मुझसे उठा नहीं जाएगा, कुछ काम नहीं किया जाएगा, क्योंकि बच्चे भी छोटे छोटे हैं, काम भी करना है, घर का हाउस वाइफ हूँ, ये भी नहीं कि भाई कुछ और नहीं कर सकती, बच्चों की पढ़ाई भी है,
मुझे नमाज में भी मुझसे झुक के मैं नमाज बैठ के पढ़ती थी, यहाँ तक कि खड़े होकर मुझसे रुकू सजदे भी नहीं होते थे नमाज में। मगर मुझे अल्लाह का शुक्र है, बहुत दुआएं निकलती हैं दिल से कि मुझे बहुत फ़ायदा लगा दवाई लेने के बाद में। तो आप इतनी पीड़ा से जब जूझ रही थी, बच्चों को संभालना, घर का काम करना, फिर शोहर के लिए यानी खाना, सब चीज़ें हैं, तो उसमें, और उम्र आपकी अभी कम है, इतनी नहीं है क्योंकि 50 साल 55 साल के बाद यही बोलते हैं हकीम साहब भी बोलते हैं कि इतनी उम्र नहीं हुई आपकी, जो आपके इतनी ज़्यादा दर्द होने लगा शुरू हो गया अभी से। तो कभी ऐसा हो कि आप अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस हो चुकी थी और कि अब इतनी कम उम्र में बच्चों को भी संभालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये समस्या कैसे मुझे हो गई? जी जी, मैं बोल रही हूँ ना कि मैं रोती थी बैठ के, अल्लाह में कैसे होगा, चला भी नहीं जाता था मुझसे, मेरे पैरों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यकीन माने ये मेरे हस्बैंड भी बतला देंगे इस बात के लिए कि मैं चीखे निकलती थी मेरे, जिस टाइम मेरा दर्द होता था मैं बैठ नहीं पाती थी टॉयलेट में भी या नमाज के लिए भी, रुकू सजदे भी नहीं होते थे जी, तो मैं बैठ के नमाज पढ़ती थी, बहुत सी बार तो मुझे इशारे से ही पढ़नी पड़ती थी। तो आपने बाकी एलोपैथी दवाइयों से आपको कोई फायदा नहीं हुआ, हकीम साहब की दवाई से फायदा? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, बस एक ही, खैर यहाँ पे एक ही डॉक्टर की दवाई खाई थी, फिर उसके बाद मैंने हकीम साहब की दवाई शुरू कर दी थी, अल्लाह का शुक्र है कभी मैंने बुखार की इस चीज़ की कभी दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बहुत एहसान है ऊपर वाले का। यूएई के इस कोने में रहकर भी आपको उम्मीद थी कि हकीम साहब की दवाई आप तक पहुंच जाएगी इस जगह भी? जी, क्योंकि मैंने पहले इंडिया से ही ऑर्डर करके मंगाई थी, इधर मेरे भाई आए थे तो उनसे ऑर्डर करके दवाई मंगाई, तो उससे अल्लाह का शुक्र है फिर मुझे फ़ायदा महसूस हुआ। दुबई में शुरू हुआ ये काम और आपको पता चला कि हकीम साहब की दवाई अब दुबई में भी मौजूद है, तो कितनी खुशी आपको हुई? फिर ये है क्योंकि अभी जब से लॉकडाउन लगा था और फिर दवाई की भी थोड़ा चेकिंग ज़्यादा हो रही थी, इस वजह से लाने में परेशानी थी कि इससे मंगाने के लिए भी डर लगता था, दूसरा बंदर लेके आए ना लेकर आए इतनी दूर। फिर जब से मैंने इधर सुना कि इधर भी है, उन्होंने बतलाया, इंडिया वालों ने बतलाया कि इधर भी शॉप है, आप उधर से दवाई ले लें, तो फिर बहुत ज़्यादा तसल्ली हुई कि चलो कहीं से मंगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पास के पास आ जाएगी, दो दिन में दवाई आराम से आ जाती है। तो अब आप माशाल्लाह पूरी तरह से स्वस्थ हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं दवाई कंटिन्यू कर रही हूँ, अभी रह गई, अभी शुरू की है मतलब, तो अभी जो है मैं पूरी करूँगी इंशाल्लाह उसे। और हकीम सलमान खान साहब के बारे में क्या कहना चाहती हैं, क्या कहेंगी उनकी? माशाल्लाह उनकी तो बात भी बहुत ही अलग होती है सबसे, हर बात में तो अल्लाह ताला को शामिल करते हैं कि देखो दवाई में शिफा करने वाला तो अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला ने उनको ज़रिया बनाया है, तो उस ज़रिए से हमें फ़ायदा पहुँच रहा है, और मुझे जैसे भी लगता है मैं औरों को भी बताती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे के भी टॉन्सिल हो गए थे तो वे छोटे छोटे नुस्खे बताते हैं, मैं उसके नुस्खे को भी पूरा करती हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है उसे टॉन्सिल में भी बहुत फ़ायदा हुआ, कभी खांसी भी होती है वो हल्दी शहद काली मिर्ची ये सब बताते हैं, अदरक का शहद ये मिला के वो भी देती हूँ अपने बच्चों को। तो आपको याद है सबसे पहली बार हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी थी, टीवी के जरिए किसी ने आपको बताया? नहीं नहीं, मेरी खाला देखती थी प्रोग्राम, मेरी खाला ने मुझको बोला था पहले, फिर मैं भी देखने लगी, मैंने अपनी बहन को बताया, सबको ऐसे बताती हूँ, तो जिसको भी बताती हूँ अल्लाह का शुक्र है फ़ायदा होता है उनको भी। आप भारत में यूपी के मेरठ शहर से ताल्लुक़ रखती हैं? जी जी। परिवार में कौन कौन है आपके? मेरी मम्मी है, पापा हैं, भाई बहन। और यहाँ इस कोने में कितने साल पहले आई आप? मुझको यहाँ पर 10 साल हो गए मुझे। तो ये आयशा जी की कहानी है, उनके जीवन की इस कथा को आपने सुना, कथा यूँ कह रहे हैं क्योंकि 5 साल का ये जो वक्त है, समय है, ये बहुत कठिन गुजरा है इनका, और अगर हकीम सलमान खान साहब से ये नहीं जुड़ी होती तो शायद ये ठीक नहीं हो पाती। लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी रोग से कोई भी उम्र के किसी भी पड़ाव में पीड़ित हो सकता है, लेकिन ज़रूरत है समय पर उसके इलाज की और सही इलाज की। सही इलाज हकीम सुलेमान खान साहब ही आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, ये वो पेशेंट्स हैं जो दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं, हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सेवन करके रोग मुक्त हो रहे हैं। आयशा जी, जब जैसे आपने कहा कि आप दर्द से इतनी पीड़ा से इतनी जूझती थी कि चीख मार मार कर रोती थी, आप फजर में नमाज के लिए नहीं उठ पाती थी, दिल से क्या आपके लिए निकलता है हकीम सुलेमान खान साहब के लिए जब आपको इतनी अच्छी खुशहाल ज़िंदगी अब जी रही हैं? जी, बस दिल से निकलता है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत आफत से रखे, उन्हें हर बीमारी से बलाओं से महफूज रखे, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और ऐसे ही वो औरों के लिए भी दवाइयां का ज़रिया बनते रहें कि औरों के लिए भी दवाई उनकी बीमारी में काम आए, यही अल्लाह ताला से दुआ है। तो आयशा जी से हमने मुलाकात की, इनके जीवन से आपको सीख मिलेगी, अब किसी और से मुलाकात करेंगे जो रोग से पीड़ित थे और हकीम साहब की दवाई का इस्तेमाल करके वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। अब हमें दीजिए इजाज़त, आप रखें अपना ख्याल, नमस्कार।